हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सविता चक्रवर्ती, मेरे यूट्यूब चैनल सविता लाइफस्टाइल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश होकर आ गई हूँ। और ये देखिए, मैंने ये पिंक कलर का गाउन पहना है। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं और कृपा सेम ड्रेस पहने ही देख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लग रहे हैं कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं कृपा का बाल बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाल बना लेते हैं कृपा का। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कृपा रेडी हो गई है। और इसका चिट्ठी कैसा लग रहा है देखिए। कृपा अपना हेयर बढ़ाना चाहती है और इसलिए इसका मैं छोटी कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, नहीं तो पूरा एकदम गर्मी से एकदम पसीना से भर जाता है। तो इसलिए मैं इसे छोटी कर देती हूँ, तो काफ़ी प्यारी भी लगती है और क्यूट भी लगती है। देखिए मम्मी भी करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे कौशल गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था और मैं यहाँ पे सत्तू की शरबत बनाई थी और उसे दे रही थी।
फिर मैं यहाँ पे कृपा को हारमोनियम बजाना सिखा रही थी। कृपा का म्यूज़िक प्रैक्टिस हो जाने के बाद आ गई मैं किचन में, और यहाँ पे अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे इस तरह सा दिख रहा है। तो आज मैं इडली बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है, और यहाँ पे इडली स्टैंड है, और ये सूजी और दही का मैंने मिक्स बना के रखा है, और इसमें नमक भी मैंने ऐड कर दिया था। सिर्फ मैं इस पर इनो मिलाऊँगी और आवश्यकता अनुसार पानी मिलाऊँगी, और यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और मैं इनो को मिला लेती हूँ फर्मेंट होने के लिए। तो मैं ये इंस्टेंट इडली बना रही हूँ, रवा इडली जिसे बोलते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और अभी गर्मी का सीज़न है तो रोटी वगैरह खाने का भी मन नहीं करता है। तो इडली बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अभी गर्मी के टाइम में वो हमें ज़्यादा टाइम तक हमें खड़े होकर बनाना भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इडली बना रही थी। और यहाँ पे कृपा आके पूछ रही थी कि मम्मी क्या कर रही हो, तो मैं उसे बता रही थी कि इडली बना रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं घी लगा लूँगी स्टैंड में, इस तरह से प्रेस कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छे से इडली निकल जाएंगी। अब मैं इडली स्टैंड में इस बैटर को भर लेंगे इस तरह से, ज़्यादा एकदम नहीं भरना है, हल्का खाली ही रखना है क्योंकि इडली फूलती भी है। तो फटाफट से हम इडली के बैटर को हम स्टैंड में भर लेंगे, और इस तरह से स्टैंड को लगा लेंगे। अब इसे हम स्टीमर में स्टीम कर लेंगे, तो मैं इसी में इडली को स्टीम करती हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है, आप चाहे तो कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और मैंने चना दाल और पीनट्स को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था, और इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसमें हम तड़का लगाएँगे चटनी में। और ये देखिए हमारा इडली भी अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे हम इडली को निकाल लेंगे, और ये देखिए हमारी चटनी एकदम रेडी हो चुकी है, इसमें मैंने कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा देंगे। उसके बाद इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे मैंने इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें प्लेट में इडली को सर्व कर लेंगे इस तरह से। पहले मैंने ये चटनी सर्व किया है, और उसके बाद इस तरह से हम इडली को निकाल लेंगे, ये बहुत ही ईजली निकल जाती है, और सूजी की इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है सूजी की इडली। तो ये मैंने रेडी कर लिया है सूजी का इडली, तो चलिए बच्चों को देते हैं। तो कौशल और कृपा को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और तब मैंने इडली को सर्व किया, और ये लोग दोनों खा रहे हैं बड़े मज़े से, और कृपा को तो बहुत ही मज़ा आया खा के, और बोली अच्छा बनाना है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।